तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जब भी आप अपने मोबाइल में एमएक्स प्लेयर को इंस्टॉल करते हैं या फिर एमएक्स प्लेयर का डाटा क्लियर कर देते हैं और डाटा क्लियर करने के बाद या इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपने एमएक्स प्लेयर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद कोई भी वीडियो यहाँ पर देखने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू स्टॉप्ड स्टार्ट ओवर का ऑप्शन आ जाता है। जब भी आप नेक्स्ट वीडियो कीजिएगा ये आपके पास हर बार आएगा, हर बार शो करेगा। चलिए यहाँ पे एक बार बैक हो जाते हैं, फिर से कोई भी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हर बार ये ऑप्शन आ जाता है कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू स्टॉप्ड स्टार्ट ओवर, जो कहीं ना कहीं आपको एक तरफ से ये प्रॉब्लम लगता होगा, आप चाहते होंगे कि ये चीज़ हट जाए। तो आज इसी का सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कैसे कीजिएगा। तो इसे सही करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बैक हो जाना है और एमएक्स प्लेयर के सेटिंग्स में आपको जाना है। तो एमएक्स प्लेयर के सेटिंग्स में जाने के लिए यहाँ पे सबसे ऊपर थ्री लाइन है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको एमएक्स प्लेयर का सेटिंग्स मिल जाएगा। सेटिंग्स के नीचे आपको लोकल प्लेयर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली लोकल प्लेयर सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेकेंड में होगा प्लेयर का ऑप्शन, तो आपको सिंपली प्लेयर पे क्लिक करना है। प्लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको हल्का नीचे जाना है और यहाँ पे प्लेबैक का ऑप्शन है और प्लेबैक के ऑप्शन के नीचे रिज्यूम का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन है, यस नो आस्क एट स्टार्टअप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यस अगर आप कर देते हैं तो आपका वीडियो अगर 10 सेकेंड चला हुआ है और आप नेक्स्ट किए थे तो वो वीडियो पहले वाला आप स्टार्ट कीजिएगा तो 10 सेकंड से ही चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। नो कर देते हैं तो आपका हर वीडियो स्टार्ट से, शुरुआत से, यानी कि शुरुआत से वीडियो चलना होगा, चलेगा। और थर्ड में है आस्क एट स्टार्टअप पे क्लिक अभी है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हर बार आपसे पूछा जाएगा कि आप स्टार्ट ओवर करना चाहते हैं, कहाँ से आप देखना चाहते हैं। तो हमें क्या चाहिए या फिर सभी यूजर्स को क्या चाहिए कि वो जैसे ही वीडियो को ऑन करे वो शुरुआत से चले। तो शुरुआत से चलने के लिए हमें नो पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक कर दिया है। और अब हम बैक हो जाते हैं, बैक होने के बाद वापस अब हम वही वीडियो को चलाते हैं, देखते हैं वो ऑप्शन अब हटा कि नहीं। यहाँ पे मैंने वीडियो को ओपन कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है, स्टार्ट ओवर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे फिर से ये वीडियो शुरुआत से स्टार्टिंग हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से एमएक्स प्लेयर में कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू आर स्टॉप्ड स्टार्ट ओवर का जो प्रॉब्लम आता है इसका आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में बने बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।